अहम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद हरिद्वार में। और आइए, आज कुछ कार्यक्रम हो रहा है अंदर, मैं दिखा रहा हूँ। मैं आपको चमोली में भेज रहा हूँ, पूरा फाइल लेकर सर आपके पास। सीएमओ साहब हैं सर, नमस्कार। सर, जो आज का कार्यक्रम है किस समय में है? ये आज हमारा जो कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, पिछले साल 16 मार्च को शुरू हुआ था, इसलिए आज हम लोग इसको नेशनल वैक्सीनेशन डे के हिसाब से मनाया जा रहा है। और इसमें 12 से 14 साल के बच्चों को आज हमारा टीकाकरण कोवैक्स करके आया है, वो लगाया जाएगा। अच्छा, उससे छोटे बच्चों लोग का कब तक आएगा कुछ जानकारी? नहीं, ये हमारे पास कोई इससे जानकारी नहीं, तो शासन से और भारत सरकार से गाइडलाइन आएगी, तभी से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या अभी तक कोई गाइडेशन आपको मिला नहीं कि इसके बाद छोटे बच्चों को कब तक आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी, केवल 12 से 14 साल के बच्चों को कहता ही आएगा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, जो आपके यहाँ जो कोविड में जो कोरोना काल में जो बंदे काम कर रहे थे आपके स्टाफ में, उन लोगों का कैसा रहा? बहुत लोगों ने मेहनत किया, उनको कई लोग ये शिकायतें हैं कि मानदेय जो होता है वो अभी तक मिला नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संज्ञान में मानदेय तो सपोर्ट दिया जा रहा है, बजट का होता है, बजट जो आ रहा है उस हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय को ऐसा इसमें नहीं जवाब बता रहे हैं, किसी किसी का रुका हुआ है, कुछ इनका अकाउंट्स का कोई गड़बड़ी है या इसका, ये तो सबका मानदेय दिया जा रहा है पूरे सबको। ठीक है, तो हमारे सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि किसी का रुका नहीं है, कुछ अकाउंट प्रॉब्लम है इसलिए अभी तक नहीं मिला है। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं आप लोगों को। आप देख रहे हैं कि 12 साल के बच्चों लोग का आज वैक्सीन लग रहा है और अभी हमारे सीएमओ साहब उद्घाटन कर रहे हैं। और आपसे बता रहा हूँ कि पहला उद्घाटन आज हम स्वास्थ्य विभाग में जो हम लोग घोषणापत्र में खड़े हैं उसमें शुरू होने जा रहा है। और जो बच्चे का वैक्सीन लगना है उसका आधार कार्ड देखा जा रहा है, आधार कार्ड के देखने के बाद अपना वैक्सीन शुरू होने जा रहा है। देखा आप लोगों ने, केक काट कर सीएमओ साहब, क्या नाम है आपका? निशा, कहाँ से आई हो? ये निशा हेतमपुर से आई है और हमारे सीएमओ साहब केक खिला रहे हैं और इसके बाद वैक्सीन लगना है। निशा, कैसा महसूस कर रही है इस समय? आप कोई कोरोना सेंटर तो नहीं लेके गए जब वैक्सीन लग जाएगा तो? क्या कहना चाहती हो सीएमओ साहब को? आप भी सुनो। थैंक यू सर। थैंक यू। देखा आप लोगों ने, हमारे सीएमओ साहब ने हमको भी केक खिलाए और निशा का, निशा इस समय बहुत कुछ महसूस कर रही है कि वैक्सीन लग जाएगा तो हमारी कोई ऐसी कोविड की दिक्कत परेशानियां नहीं होंगी। तो आइए कुछ और मरीज बैठे हैं, जो बच्चे आए हैं छोटे छोटे। ये वैक्सीन आप देख रहे हैं, वैक्सीन करके दूसरे को वैक्सीन आया है, आया हुआ है और निशा का लगने जा रहा है। तो गाइस, आप निडर हो जाइए, इस समय पूरा प्रशासन जो हमारे हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे सीएमओ साहब का सीएमओ साहब हमारे यहाँ से निकल गए और निशा का वैक्सीन लगने जा रहा है। आइए कुछ मरीजों से और बात करते हैं कि क्यों आए हैं हॉस्पिटल में, बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
यहाँ से आई है, क्या करने आई हॉस्पिटल में? यानी बेटी का इंजेक्शन लगा है, हैं? क्या इंजेक्शन लगवा रही है? ये इंजेक्शन लगवा रही है और बाकी जो है बहुत से, ये देखिए माता बहनों, आप लोग हॉस्पिटल में क्या वैक्सीन लगवा रहे हैं आप लोग? अच्छा माता जी को दिखाने आई हैं। ये देखिए गाइस बहुत भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे जो भी कार्य चल रहा है, आप लोग कहाँ से आए हैं आप? आप कहाँ से आई है? ये बच्चे लोग साथ में आपके साथ हैं, इनका कुछ क्या इंजेक्शन लगवा रही है आपने? अच्छा 5वें साल का इंजेक्शन, ये टीका लगवाने के लिए लोग आए हुए हैं। अभी जो बताया गया है कि 12 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीन लगना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया कार्य शुरू हो गया। तो गाइस इधर भी आइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, हर तरफ भीड़ है। और ये बात करें तो ये बाहर का बैकग्राउंड का सीन है, मैं कैमरामैन अरुण जी के साथ सपू शास्त्री।